तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो युवा कबड्डी सीरीज का मॉनसून एडिशन सीजन खेला जा रहा है, इसका भाई जो आज के दिन का तीसरा मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा अरावली एरोज वर्सेज काजीरंगा रिनोज के बीच में। अब इस मैच की पूरी जानकारी यानी कि कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कम्प्लीट देख लीजिएगा क्योंकि पर एक एक प्लेयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात भाई यहां पर देखिए काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन काफी हाई है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स भी जिनका सिलेक्शन काफी लो मिलेगा, लेकिन वो आज आपके लिए बहुत बड़े ट्रंप कार्ड साबित होंगे। वो कौन से होंगे और कैसे होंगे सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। एक एक वीडियो मतलब वीडियो का एक एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, है ना। अब अगर भाई बात करें इस मैच की तो काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में मतलब 100% होने चाहिए, लेकिन काफी लोग उसको ड्रॉप करके आएंगे, तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कौन से प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करना है, कौन सा प्लेयर स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो के साथ बने रहे और अपना मतलब पूरी नॉलेज लेकर जाए अगर आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन की। वैसे अगर देखा जाए दोनों टीम्स में तो भाई दोनों ही टीम्स भाई बहुत शानदार है, दोनों की दोनों टीम्स बहुत ही ज्यादा शानदार है। और यहां पर अगर बात करें विनिंग परसेंटेज की तो आप मतलब किसी को भी एज नहीं दे सकते, बट फिर भी भाई 55% मैं चांस दे रहा हूं थोड़ा सा काजीरंगा रेनोज को, और 45% चांस रहेगा भाई यहां पर अरावली एरोज का। अब अगर यहां पर बात करें भाई स्टार्टिंग सेवन की तो सबसे पहले अरावली एरोज की स्टार्टिंग सेवन देखेंगे, जिसमें भाई आपको खेलते दिखेंगे एम शर्मा और भाई ऊपर से एल घोसलिया। नीचे अगर बात करें तो भाई सी कुमार, इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन भाई आर अली और राम कुमार, ये दो आपको खेलते दिखेंगे। राम कुमार सिर्फ दो ही मैच खेले भाई इन्होंने, और यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देख सकते हो बंदे की मतलब गजब से भी ऊपर की परफॉर्मेंस है। वहीं अगर भाई बात करें यहाँ पर रेडिंग डिपार्टमेंट में तो यहाँ से भाई आपको दिखेंगे वी चौधरी। अब यहाँ पर अर्जुन के साथ क्या कर रहे हैं टीम कभी, तो इसको स्टार्टिंग सेवन में लेके आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिक्कत भाई क्या आती है कि प्रिडिक्शन यहाँ पर फेल हो जाती है। अब बंदे को यहाँ पर उतारा टीम में, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में इसको सब्सटीट्यूट कर बाहर बैठा दिया, तो फिर भाई क्या ही फायदा हुआ इसको टीम में लेने का। और भाई मोस्टली लोगों का ये इस मैच में कैप्टन तक था, लेकिन फिर भी भाई क्या ही कर सकते हैं। अब ये चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है, इनके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर अर्जुन आज भी स्टार्टिंग सेवन का हिस्सा रहते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, अदरवाइज ड्रॉप करके चल सकते हो। एस जंडू आपके लिए यहाँ से इस टीम का तीसरा रेडर रहेगा। देखिए इन तीनों में से कोई दो आपको खेलते दिखने चाहिए, दो यहाँ से ऑलराउंडर खेलते दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें डिफेंस की तो एल घोसलिया, एम शर्मा, सी कुमार, ये तीनों आपको खेलते दिखेंगे, ठीक है। अब अगर भाई बात करें सामने वाली टीम की तो उनकी बात करें, लेकिन उससे पहले यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन रहेंगे। एल घोसलिया को हम ट्राई करेंगे, देखिए क्रेडिट इशू भी आपको यहाँ पर आएगा, वो भी हमें मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो पहले भाई यहाँ से बात कर लेते हैं जो काजीरंगा रिनोज है, एक बार इनकी भी स्टार्टिंग सेवन देख लेते क्या कुछ रहेगा। आर काली रावना भाई टूर्नामेंट का सबसे सफल डिफेंडर और बेहतरीन डिफेंडर 100% टीम में होना चाहिए। सेम भाई यहां पर यस दहिया के लिए बोलूंगा, दोनों के दोनों मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो और तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर दिख नहीं रहा यहां से। ऑलराउंडर सेक्शन भाई कोई भी इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर इनका खेलेगा नहीं। अगर यहां पर जी दहिया खेलता तो फिर भी आप जीएल मिनी जीएल में इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज भाई यहां पर ड्रॉप करके चलिएगा। अब रेडिंग सेक्शन में इनके साथ क्या है कि ये तीन रेडर के साथ उतर रहे हैं, और भाई तीनों है ना अपने अपने काम में टॉप पर रहते, बट भाई अब देखिए तीन रेडर है, एक तो यहां पर मेन रेडर हो गया ए राणा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए भाई नीचे एस मलिक और पी धनकर पर। अब इन दोनों में से कोई एक टीम का बैकअप रेडर रहेगा, और तीसरा रेडर तब यूज में आएगा जब या तो इन दोनों को रेस्ट की जरूरत होगी या फिर ये दोनों ही कोर्ट से बाहर होंगे, यानी कि दोनों आउट होके जा चुके होंगे। तो ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली है, और इस चीज़ को भाई कैसे काउंटर करेंगे, देखिए बिल्कुल फुल एंड फाइनल टीम मिलेगी आपको लाइनअप्स आउट होने के बाद। तो लाइनअप्स आउट होने के बाद भाई जो फाइनल टीम है ना वो मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अगर भाई बात करें दोनों टीम्स की तो एक बार भाई पॉइंट्स टेबल आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर अभी चल रहा है पॉइंट्स टेबल में। और
यहाँ पर भाई स्टैंडिंग चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ये था भाई सर्वाइवल राउंड, ये कंप्लीट हो चुका है। बूस्टर राउंड की बात करें तो यहाँ पर भाई काजीरंगा रिनोस दूसरे नंबर पर है, 11 मैच में से 8 मैच अभी तक इन्होंने जीते। वहीं अगर बात करें यहाँ पर जो इनके मतलब ओपोनेंट टीम है यानी कि भाई अरावली एरोस, 11 मैच में से 6 मैच ये भी जीत कर आ रहे हैं। तो टीम दोनों बेहतरीन है और तभी भाई अगले राउंड में पहुंची है। तो यहाँ से भाई अब देखिए टीम बनाने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट इशू भी आएगा, सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो भाई आर कालीरावना, एल घोसलिया, वाई दैया और एम शर्मा, ये चार मैं यहाँ से डिफेंडर पिक कर रहा हूँ। अब ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर भाई मैं लेके जा रहा हूँ आर रामकुमार को, ठीक है। वहीं अगर बात करें रेडिंग सेक्शन की तो यहाँ से देखिए दोनों टीम के मेन रेडर बताता हूँ मैं आपको कौन कौन रहेंगे। यहाँ से अगर बात करें तो ए राना मेन रेडर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो सामने वाली टीम है यहाँ से भाई इनकी अरावली एरोज की तरफ से भाई रेडिंग का काम यहाँ से करते नजर आ जाते काफ़ी बार यहाँ पर आपको जो, अरे यार देखिए जो राम कुमार है ये भी भाई आपको रेडिंग का काम करते नजर आ जाएंगे। इसके अलावा जो इनके साथ रेडिंग करेंगे, अगर अर्जुन यहाँ पर स्टार्टिंग सेवन में होता है तो 100% इसको ट्राई करके चलेंगे। एक तो यहाँ से भाई जो ऊपर से तो अंकित राणा हमारे साथ फिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से एस मलिक को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या फिर भाई आप देखिए सबसे अगर सिंपल बात बताऊँ तो भाई मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बाकी अगर आप चाहो तो आप एक एक्स्ट्रा रेडर लेकर चल सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर भाई रिस्क लेना पड़े आपको यहां से एक डिफेंस में, और डिफेंस में भाई कोई भी चल सकता है। एम शर्मा भाई मनीष शर्मा के ऊपर सारी दुनिया रिस्क लेकर आएगी, लेकिन भाई ये मतलब बहुत ही शानदार प्लेयर है, अगर आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो। अदरवाइज भाई यहां से सी कुमार भी अच्छा ऑप्शन है, सी कुमार को भी आप अपने टीम में रख सकते हो जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो टीम की अगर बात करें तो भाई कुछ इस प्रकार से अभी हमारी टीम बन रही है। अगर देखिए यहां से जो एक दो चेंज आप कर सकते हो, एस मलिक को मैंने अपनी टीम में ले लिया, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया कि जो स्ट्रॉन्ग टीम है यानी कि काजीरंगा रिनोस, थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 55% चांसेस रहेंगे इसके विनिंग के। तो अगर इसकी अगर बात करें तो यहां से अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग टीम मैंने बता दी, तो अब आप क्या कर सकते हो, इस टीम के भाई हमने यहां से चार प्लेयर लिए, ठीक है। और यहाँ से इस टीम का भाई डिफेंस हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, रेडिंग में भाई हमने इनका 50% काम कवर कर लिया। तो ये भाई मेरे हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी के लिए बन रहा है। बाकी देखिए जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी ना, सीवीसी रहेंगे, फाइनल सीवीसी वो टेलीग्राम पर डिस्कस करेंगे। कैप्टनसी की बात करें तो अभी के लिए मैं कैप्टनसी दे रहा हूँ ये राणा को। वीसी की अगर बात करें तो भाई यहाँ से मैं राम कुमार के साथ जा रहा हूँ। रीज़न क्या है इसके साथ जाने का, देखिए एक तो भाई आपको ये करके देगा, रेडिंग करके देगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर टैकल के लिए जाता है बंदा, हालांकि लास्ट मैच में अनसक्सेसफुल रहा टैकल, लेकिन भाई टैकल के लिए बंदा जाता है तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। 100% आपकी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर आप चाहो तो डिफेंस में भाई एल घोसलिया और आर कालीरावना दोनों आपके लिए बेहतरीन डिफेंडर रहेंगे, आप इन्हें भी सीवीसी ट्राई कर सकते हो। बट अभी के लिए मेरी टीम में सीवीसी ये दोनों रहेंगे। हो सकता है भाई फाइनल टीम में कुछ बड़े चेंजेस आपको मैं करता दिखूँ, लेकिन उनकी अपडेट भाई मैं टेलीग्राम पर दूंगा, क्योंकि देखिए लाइनअप्स आउट होंगी तभी कुछ चीज़ें क्लियर होती है। तो भाई वो चीज़ें लाइनअप्स आउट होने के बाद मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। दूसरी बात यार, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, क्योंकि यार देखिए मोटिवेशन आपके लाइक से ही मिलता है, तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। वीडियो को अगर आपको कोई डाउट है किसी प्लेयर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक आप इस टीम को सेव करके रख लीजिएगा, बाकी जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी, फाइनल अपडेट रहेगी, वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।